हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 9 हाउ मेनी टाइम्स। चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस टाइम टॉपिक में ऑप्शन ए तक लर्न किया था, आज आगे लर्न करेंगे बी। फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ स्टोरी सम्स दिए हैं, पहले आपको उसका आंसर गेस करना है, यानी कि उसका अनुमान लगाना है कि आंसर क्या होगा। आफ्टर दैट आपको वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, अ फ्लावर हैज 5 पेटल्स। फ्लावर है उसमें 5 पेटल्स है, यानी कि 5 पंखुड़ियाँ है। अ बंच ऑफ फ्लावर्स हैज 13 फ्लावर्स। फ्लावर का जो बंच है उसमें टोटल मिलाकर 13 फ्लावर्स हैं। हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन द बंच। अब हमें बताना है कि जो ये बंच ऑफ फ्लावर्स है उसमें टोटल कितनी पेटल्स होगी। चिल्ड्रन, एक फ्लावर है उसमें 5 पेटल्स है, एक फ्लावर में 5 पेटल्स है और बंच में 13 फ्लावर्स है। हमें जो फ्लावर का बंच है उसमें टोटल कितनी पेटल्स होगी वो बताना है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक फ्लावर में 5 पेटल्स है देन 13 फ्लावर्स में हाउ मेनी पेटल्स, ऐसे करेंगे। पहले चिल्ड्रन आपको गेस करना है, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर बताती हूँ। 13 टाइम्स 5 पेटल्स, क्योंकि एक फ्लावर है उसमें 5 पेटल्स है, हम यहाँ पर 13 फ्लावर से उसके पेटल्स फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए 13 टाइम्स 5 पेटल्स। 13 मल्टीप्लाई 5, 5 थ्री जा 15, वंस प्लेस पे क्या होगा 5, वो हम यहाँ पर लिखेंगे और कैरी है 1 लिखेंगे, क्योंकि टेंस प्लेस पे क्या होगा 1। 5 वन जा 5 प्लस 1 करेंगे 6, यानी कि 65। दस देर आर 65 पेटल्स इन द बंच। बंच में टोटल कितनी पेटल्स होगी चिल्ड्रन, 65। नेक्स्ट, अ बुक हैज 64 पेजेस। एक बुक है उसमें 64 पेजेस है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स। अब क्या करना है, एक बुक है उसमें 64 पेजेस है, अब हमें बताना है कि ऐसे ही 8 बुक्स होंगी तब कितने पेजेस होंगे। चिल्ड्रन क्या करेंगे, एक बुक में 64 है, वैसे ही दूसरी बुक में भी 64, तीसरी बुक में भी 64, वैसे ही ऐसी 8 बुक्स हो तब हमें बताना है कि टोटल कितने पेजेस होंगे। चिल्ड्रन आपको पहले आंसर है वो गेस करना है, आफ्टर दैट आपको कैलकुलेट है वो करना है। क्या करेंगे हम, 8 टाइम्स 64 पेजेस, 8 टाइम्स हम 64 पेजेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 64 पेजेस कितने बुक्स के चाहिए, 8 बुक्स है उसमें कितने पेजेस होंगे वो बताना है, क्योंकि एक बुक में 64 पेजेस है, इसीलिए 64 मल्टीप्लाई 8, 8 फोर जा 32, 32 में वंस प्लेस पे 2 होता है वो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, टेंस प्लेस पे जो डिजिट 3 है वो हम एज अ कैरी लिखेंगे। 8 सिक्स जा 48, 48 प्लस 3 51। Thus, the total number of pages in 8 such books is 512। एक बुक में 64 पेजेस है, वैसे ही 8 बुक्स होगी तब टोटल मिलाकर 512 पेजेस होंगे। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स स्टैंड इन रोज इन द असेंबली। असेंबली है उसमें स्टूडेंट है वो रो में खड़े हुए हैं। देर आर 6 रोज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के कितनी रोज है चिल्ड्रन, 6 रोज है। ईच रो हैज 17 स्टूडेंट्स। हर एक रो में 17 स्टूडेंट्स है। देखो यहाँ पर ऐसे 6 रोज और हर एक रो है उसमें 17 स्टूडेंट्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अब हमें बताना है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे। 6 टाइम्स 17 स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 रोज है और हर एक रो है उसमें 17 स्टूडेंट्स है। अब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 6, 6 सेवन जा 42,
42 का हम जो टेंस प्लेस पे है वो हम एज अ कैरी, और वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हम यहाँ पर नीचे आंसर में लिखेंगे। 2, 42 का 2, कैरी 4, 6 1 6 प्लस 4 करेंगे आंसर आएगा 10, यानी कि 102। आंसर क्या आएगा? दस देर आर 102 स्टूडेंट्स इन द असेंबली। असेंबली में टोटल 102 स्टूडेंट्स होंगे। नेक्स्ट डिजाइन हैज 3 फ्लावर्स इन इट। एक डिजाइन है उसमें 3 फ्लावर्स है। अ पीस ऑफ क्लॉथ हैज 17 सच डिजाइंस। एक क्लॉथ का पीस है उसमें 17 डिजाइंस है। हाउ मेनी फ्लावर्स विल बी ऑन द क्लॉथ। जो क्लॉथ है उसमें कितनी डिजाइंस होगी? देखो डिजाइन है उसमें कितने फ्लावर्स है? 3 फ्लावर्स है। वैसे ही अब 17 सच डिजाइन ऐसे ही बनाएंगे तब 3 फ्लावर्स हम उसमें एज अ डिजाइन रखेंगे। तब बताना है कि टोटल जो फ्लावर्स है वो कितने होंगे। 17 टाइम्स 3 फ्लावर्स, क्योंकि एक डिजाइन में 3 फ्लावर्स है और हमें इसे 17 क्लॉथ पे डिजाइन बनानी है। 17 मल्टीप्लाई 3, 3 7 21 का 1, कैरी 2, 3 1 3 प्लस 2 करेंगे 5, यानी कि 51। दस देर विल बी 51 फ्लावर्स ऑन द क्लॉथ। जो ये क्लॉथ है उसमें टोटल कितने फ्लावर्स होंगे? कितने होंगे चिल्ड्रन? 51 फ्लावर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 3 फ्लावर्स की हमें 17 डिजाइन से वो क्लॉथ पर बनानी है, इसलिए टोटल होंगे 51 फ्लावर्स। 17 3 जा 51। थैंक यू।